तो भाई भक्तों के लिए खुशखबरी का समय आ गया है। जी हाँ, बॉलीवुड ने ऐलान कर दिया है कि उनकी महान फिल्म रामायण 2026 की दिवाली पर रिलीज होगी। और बस जैसे ही ये खबर आई, भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। लोगों की चूड़ियां तोड़ी जा रही हैं, बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, मानो असली भगवान राम रणबीर कपूर बनकर अवतरित हो गए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूर्खों का नया दौर क्यों आ गया है। भाई वो भक्त जो सोशल मीडिया पर धर्म की रक्षा का दावा करते हैं, अब रणबीर कपूर की पूजा में लगे हुए हैं। हाँ जी, वही रणबीर जो बीफ खाने के चर्चित किस्सों और हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड्स के लिए मशहूर हैं, अब वही भगवान राम बनने वाले हैं। अब सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ भक्त लोग इस कदर एक्साइटेड हैं जैसे भगवान राम ने खुद स्वर्ग से इनको ट्वीट करके बताया हो, बेटा रणबीर ही मेरा असली अवतार है। सोचिए, कमेंट्स में ऐसे ऐसे जवाब कि किसी का दिल जल जाए और किसी की हंसी न रुके। अब सोचिए, बॉलीवुड वालों ने वही पुरानी पैतरेबाजी फिर से आजमाई है। एक फिल्म में भगवान राम का नाम जोड़ दो और भक्तों की भावनाएं यूं उमड़ पड़ती हैं जैसे मंदिर में प्रसाद बट रहा हो, और भक्त लोग भी वही पुरानी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्टर की असलियत को इग्नोर करके बस वाहवाही कर रहे हैं। अब आते हैं असली मसले पर, भगवान राम का रोल रणबीर कपूर निभाएगा। जी हाँ, वही रणबीर जिसकी लाइफस्टाइल सात्विक से ज्यादा दिव्य है। भाई का हफ्ते में एक बार पवित्र गौमांस भोज और सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स का रिकॉर्ड भी है। और माता सीता का रोल निभाएंगी साई पल्लवी, जिनके बारे में कुछ बोलना मतलब बवाल मचाना। मतलब सोचिए, ये भक्त लोग किसी गली के नेता को राम भक्त मान सकते हैं, तो रणबीर को भगवान राम मानने में इन्हें कहां दिक्कत है। अब भक्तों का अजब हाल देखिए, वो इस सोच में डूबे हैं कि आखिर रणबीर जैसा संपूर्ण पुरुष भगवान राम का रोल कर रहा है। मतलब अब कोई भी ऐरा गैरा नशेड़ी आए और हिंदुत्व के नाम पर कुछ बोले तो भक्त लोग उसे भगवान बना देंगे। और बॉलीवुड वालों की असली चालाकी पर गौर कीजिए, भक्तों की इस अंधभक्ति का फायदा उठाने के लिए वो भगवान राम का नाम लेकर करोड़ों कमाने की फिराक में है। भाई ये लोग असली भक्त नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा धर्म का झुंझुना पकड़ाओ और फिर इनसे लाखों की कमाई करो। अब भक्त लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये रणबीर राम का किरदार निभा रहा है। हाँ, वही रणबीर जो हर हफ्ते किसी न किसी मॉडल या एक्ट्रेस के साथ नया इश्क फरमाता है, और ऊपर से माता सीता के रूप में साई पल्लवी। लेकिन भक्तों के लिए बस यही रामायण का जादू है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, शर्लिन चोपड़ा भी हिंदुत्व के नाम पर फॉलोअर्स जुटाने में लगी है। मतलब चलती फिरती चकला घर जब खुद को हिंदू धर्म के रक्षक कहने लगती है तो भक्त लोग इसे भी अपना आइडल मान लेते हैं। देखिए, भक्ति का ऐसा अनोखा दौर जिसमें शर्लिन जैसी भक्त भी हिंदुत्व की रक्षक बन गई। तो भाई ये भक्त लोग खुद को धर्म के सच्चे रक्षक मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड वाले इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असली मकसद सिर्फ करोड़ों कमाना है, रामायण का सम्मान करना नहीं। और भक्त लोग इस झांसे में ऐसे फंसे जैसे मछली कांटे में फंस जाती है। तो समझदार भक्तों के लिए संदेश है कि इस अंधभक्ति से बाहर निकले और समझे कि असली खेल क्या है। कोई भी आपको भगवान के नाम पर उल्लू बना सकता है। तो अगर आपको भी लगता है कि रणबीर का राम बनना एक बड़ा मजाक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस रामायण पर आप क्या सोचते हैं, असली धर्म का सम्मान या भक्तों का मूर्खता का नया अध्याय। भक्त हो या बुद्धिजीवी, अगर आप भी इस रामायण के रोल कास्टिंग को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो आज बात करते हैं नीतू कपूर की। सालों से उनके कुछ बयान और विचार सामने आते रहे हैं, जिनमें से कई लोग उनको पुराने ख्यालात या रिग्रेसिव मानते हैं। उन्होंने एक बार खुद माना था कि कैसे वो रणबीर की गर्लफ्रेंड्स को लेकर अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर करती थीं और कई बार रणबीर के रिश्तों में भी दखल देती थीं। नीतू जी का एक पुराना बयान भी काफी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के अफेयर्स पर अपना नजरिया बताया था। रेडियो मिर्ची पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पति की बाहर की लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड्स के बारे में पता था और उन्होंने इस बात को समय के साथ इग्नोर करना सीख लिया था। उनका कहना था कि वो फ्लर्टिंग को समझती हैं और इसमें पति पत्नी के रिश्ते में कुछ गलत नहीं देखती, लेकिन अगर उनका पति किसी और के साथ शादी करने जैसा कदम उठाता है तो वो उसे छोड़ देंगी। कई लोगों ने इस बयान को ये कहते हुए आलोचना की थी कि वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी। नीतू जी ने अपनी सोच को भी खुलकर बताया कि
उनके मुताबिक पुरुषों को एक हद तक आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से थोड़े फ्लर्टिशियस होते हैं। हालांकि इस बात से कुछ लोगों को लगा कि नीतू जी ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किया। रणबीर की लव लाइफ में भी नीतू जी का दखल देखने को मिलता रहा है। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ रणबीर के रिश्तों में उनकी फैमिली ने नाराजगी जाहिर की थी क्योंकि शायद उनकी उम्मीदों के अनुसार ये लड़कियां कपूर परिवार के लिए सूटेबल नहीं थी। यहाँ तक कि कटरीना के साथ रणबीर के रिश्ते में भी कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि उन्हें परिवार की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा था। नीतू जी ने एक बार अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें लिखा था कि किसी के साथ कई साल डेट करने का मतलब ये नहीं कि वो शादी करेगा। लोगों का मानना है कि नीतू जी ने हमेशा रणबीर के रिश्तों में एक खास तरह का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने खुद ये भी कहा था कि वो रणबीर को कमिटमेंट से दूर रहने की सलाह देती हैं। रणबीर के प्लेबॉय इमेज के पीछे भी कहीं न कहीं उनकी मां की इस सोच का ही असर दिखता है। कपूर परिवार में पुराने समय में महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थी। शादी के बाद नीतू कपूर को भी अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा था। कपूर परिवार के मुताबिक शादी के बाद महिलाओं का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ठीक नहीं माना जाता था, इसीलिए नीतू जी ने अपने साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स तक छोड़ दिए थे। हालांकि आज का दौर बदल चुका है और सोशल मीडिया के चलते लोग अब अपनी पसंद नापसंद को आसानी से जाहिर कर पाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि नीतू कपूर शायद चाहती थी कि रणबीर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके विचारों से मेल खाती हो और इस मामले में आलिया भट्ट शायद उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। तो नीतू कपूर की इस सोच पर आपका क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा सुनाने वाले हैं जो सीधे बॉलीवुड के दिल से जुड़ी है और इसका केंद्र है हमारी सबकी प्यारी ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ जी, वही ऐश्वर्या जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धूम मचा दी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनका 51st बर्थडे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मानो भूल ही गए। बच्चन फैमिली से लेकर इंडस्ट्री तक चारों तरफ खामोशी क्यों? क्या ये सन्नाटा सच में बॉयकॉट की घंटी बजा रहा है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही फिल्म देवदास की पारो या जोधा अकबर की जोधा याद आ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1 नवंबर को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है? शाहरुख खान जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ देवदास में 4 चांद लगाए वो भी एक बधाई का मैसेज नहीं भेज पाए, और बच्चन परिवार, उफ ये तो और भी दिलचस्प है। हर साल ऐश्वर्या के फैंस पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद बच्चन फैमिली की ओर से कोई पोस्ट कोई मैसेज आएगा। पिछली बार तो बवाल मचने के बाद अभिषेक बच्चन ने हड़बड़ाकर एक बर्थडे मैसेज डाला था, लेकिन इस बार सन्नाटा। मानो कह रहे हो ऐश्वर्या आपके लिए हमारी व्हाट्सएप की भी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन को देखकर तो लगता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी शादी को बचाएं या पब्लिक के सवालों का जवाब दें। अब भला कैसे हो पाएगा? सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी गई।